विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से 5 दिन तक चलेगा सत्र, और आंगनवाड़ी सेविका का आंदोलन जारी, जल्द ही मिलेगी, पूरी होंगी उनकी मांगे। वहीं वार्ड सदस्यों को 60% हिस्सेदारी कब तक, इस पर करेंगे चर्चा। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा मिले, लेकिन विशिष्ट शिक्षक के जगह सहायक शिक्षक का मिले नाम। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, आपको अपडेट रखता है। अब बात करें बिहार पुलिस की, तो हालांकि बिहार पुलिस तो लगातार चर्चा में रहती है, लेकिन देश भर में यूपी पुलिस की भी चर्चा होती है। योगी जी की पुलिस पर लोगों का ट्रस्ट है, कहते हैं कि योगी जी की पुलिस एनकाउंटर ज्यादा करते हैं, अपराधियों को ऑन स्पॉट सजा देती है। तो उसी के तर्ज पर बिहार के वैशाली में यूको बैंक लूटने पहुंचे लुटेरों ने पुलिस का हुआ सामना। जब हुआ लुटेरों से, तो लुटेरों ने पुलिस को गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन बैंक लुटेरों ने पुलिस जवान की हत्या की, तो 3 घंटे में ही एनकाउंटर में दो को ढेर कर दिया गया। साथी को पकड़े जाते देख भाग रहे लुटेरों ने जवान जवान अमित पर दाग दी थी गोलियां, जिससे उनकी मौत हो गई थी। पूछताछ के लिए हाजीपुर ले जाते समय पुलिस की गाड़ी से कूद कर भाग रहे थे दोनों लुटेरे, पुलिस फायरिंग में मारा गया, यह पुलिस द्वारा बताया गया। जिला सशस्त्र बल के जवान की हत्या के बाद हिरासत से भाग रहे दो बैंक लुटेरों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यह मामला है, दोपहर 3 बजे एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के 3 घंटे पहले ही इन बदमाशों ने एक जवान की हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि सोमवार के सराय सूरत चौक स्थित यूको बैंक की सुरक्षा जांचने एसआई आदर्श के नेतृत्व में टीम पहुंची, तो दिन के करीब 12 बजे दो बाइक पर 6 लुटेरे यहां पहुंचे। और बैंक गेट पर जब जांच के दौरान दरोगा ने लुटेरों को पकड़ा, तो उसका साथी भागने लगा। पुलिस जवान अमिताभ बच्चन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो लुटेरों ने 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौत हो गई। चर्चा मुख्य यह है कि 3 घंटे के अंदर पुलिस ने भी अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि बताया तो यह जा रहा है कि पुलिस अभिरक्षा से भाग रहे थे जवान, इसलिए उन्हें गोली मार दिया गया है। और इधर लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली, तेजस्वी का पासपोर्ट रिलीज कर दिया गया है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से 5 दिन चलेगा। जातीय जनगणना का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। जातीय जनगणना में भी संख्या बताई गई है, उसकी आर्थिक स्थिति सभी जातियों की क्या है, आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में। हालांकि विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा था कि सिर्फ संख्या नहीं बताइए, आर्थिक स्थिति भी बताइए। तो यह प्रमुख खबर है कि अब जो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई, 6 नवंबर से शीतकालीन सत्र में जातीय जनगणना के आर्थिक सर्वे को पेश किया जाएगा। और इधर अगर हम बात करें तो बिहार बीपीएससी टीचर परीक्षा के रिजल्ट का तो लोग टकटकी लगाए हुए हैं। विभाग देर शाम रिजल्ट जारी करने के बाद कह रहा है, हालांकि 16 अक्टूबर को ही रिजल्ट जारी किया जाना था, लेकिन 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसके बाद में बिहार जो बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, जिसमें बीपीएससी वेरीफाइड का मुहर लगा दिया है, और उस मुहर के उस लोगों के से पता चलेगा कि यह डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। और इधर अब कहा यह जा रहा है कि आज ही देर शाम देर रात तक बिहार बीपीएससी का 11वीं और 12वीं का पहले रिजल्ट जारी किया गया जाएगा, उसके बाद 9वीं 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों की अगर बात करें, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि दक्षता परीक्षा लेने के बाद इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। इस मामले में विभाग ने सुझाव आमंत्रित किए थे, तो ज्यादातर शिक्षकों ने विभाग को पत्र लिखा है और कहा है कि बिना शर्त बीपीएससी
बिना शर्त ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और विशिष्ट शिक्षक की जगह उन्हें सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता मिले, उनका नाम सहायक शिक्षक हो। अगर इस तरह से नाम बदला जाएगा, क्योंकि स्कूलों में कोई हाईकोर्ट के शिक्षक हैं तो कोई पारा शिक्षक है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई नियोजित सारे के सारे नियोजित शिक्षक हैं और कोई स्टेट पास शिक्षक है, तो कोई अभी जो होने वाला है वो बीपीएससी शिक्षक होंगे, तो अलग। और सरकार अब कह रही है कि विशिष्ट शिक्षक नाम नहीं, राजकर्मी का दर्जा होने के बाद, इसलिए शिक्षक संगठनों का मानना है कि उन्हें सहायक शिक्षक ही बनाया जाए, सहायक शिक्षक ही रखे। आपकी राय क्या है जरूर कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और इधर हम बात करें तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि शीतकालीन सत्र में आंगनबाड़ी सेविका के हक की बात उठेगी और इस सत्र में बहुत ज्यादा से ज्यादा यह गुंजाइश है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनका अधिकार मिल जाए। आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो मांग है 25,000 की सैलरी, तो 25,000 तो अभी जो 5,000 मिलता है, तो 5,000 के बदले 25,000 मिलेगी, इस पर तो शक है, लेकिन उनके मानदेय बढ़ाया जा सकता है, विभाग ने ऐसा इशारा किया है। इधर वार्ड सदस्यों की बात करें, पंच सरपंच की बात करें, तो वार्ड सदस्यों ने अब सवाल पूछा है, उन्हें ग्रामीण विभाग में, पंचायती राज विभाग में विकास कार्यों में 60% हिस्सेदारी कब तक मिलेगी। वहीं पंच सरपंच ने कहा है कि जब हमारे पास अधिकार ही नहीं है, जब हमें हमें अब अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि वार्ड सदस्यों को 60% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और पंच सरपंच का कहना क्या गलत है कि अगर उनके पास अधिकार ही नहीं है तो वो इस सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं उद्यमी फसल योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत, सीएम बोले तुरंत करे कार्रवाई, पेयजल फसल डीजल अनुदान जैसी योजनाओं की शिकायतें मिल रही है। और वहीं देश भर में बीजेपी डर से नहीं करा रही है जाति जनगणना, जदयू नेताओं ने भाजपा को घेरा और कहा कि बीजेपी डर रही है कि जातीय जनगणना हो जाएगा तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए जातीय जनगणना से भाग रही है। राजद और जदयू के कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित मिलन समारोह में राजद, जदयू और भाकपा माले के कई नेता सहित पत्रकार स्वर्गीय राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। और इधर बात करें निठारी कांड की, तो 19 लड़कियों से दुष्कर्म और हत्या के 12 मामलों में कोली की फांसी रद्द, एक में उम्र कैद बरकरार, पंथेर सभी बरे हो गए, सीबीआई बोली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगाया है कि उनके लापरवाही के कारण ही ये जो आरोपी हैं बरी हो गए हैं। हाई कोर्ट ने 308 पेज का फैसला दिया है, ठोस सबूतों के अभाव में दोनों आरोपी बरी हुए हैं। जांच में सीबीआई का रवैया जनता से विश्वासघात से कम नहीं, कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है और आरोपी बच निकले हैं। और इधर अगर हम बात करें तो भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रिकॉर्ड कमाई, 9 महीनों में 8,058 करोड़ रुपए आए हैं। और इधर अच्छी खबर यह है कि चीन के बायकॉट से भारत के हैंडीक्राफ्ट की नई राह खुली है, विदेशों में भारतीय सामानों की डिमांड बढ़ी है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर में जंग का असर दिखा है। हालांकि हर दिवाली से पहले चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं होता था कि चीनी सामानों का तो बहिष्कार करेंगे लेकिन उसके स्थान पर को क्या खरीदेंगे, तो भारत में ही अब बनने लगे हैं और चीनी बाजार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब बाजारों में चीनी सामान लगभग लगभग गायब है और जो खरीदारी कर भी रहे हैं वो पहले ध्यान से पढ़ते हैं, इस पर मेड इन चाइना का तो टैग नहीं लगा हुआ है, मेड इन इंडिया देख के ही या मेक इन इंडिया देख के ही सामान खरीदते हैं। तो इससे अब बिहार में देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलने की गुंजाइश है। तो दोस्तों ये थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक वाला बटन बिल्कुल दबाना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।